हरियाणा में बीजेपी के राज में हालत इस तरह हो गई है कि लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री नहीं मानते, और अब तो प्रदेश में सरकारी अधिकारियों ने भी सीएम खट्टर की बात सुनना बंद कर दिया है। प्रदेश में सीएम खट्टर के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। वैसे तो अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेशों को सरकारी अधिकारियों ने ही नहीं माना और नियमों की खुलेआम अवहेलना की। लेकिन अब जो महेंद्रगढ़ जिले से ताजा मामला सामने आया है वो बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला है, जिसके चलते एक व्यक्ति ने अपनी जान भी गंवा दी है। दरअसल महेंद्रगढ़ में सीएम मनोहर लाल के आदेशों के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग ने एक मरीज को 5 दिन तक नहीं संभाला, जिसके चलते उस मरीज ने अपनी जान गंवा दी। पूरा मामला क्या है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। बता दें सीएम मनोहर लाल 25 मई को जनसंवाद कार्यक्रम के लिए मंडी अटेली क्षेत्र के गांव सीमा में पहुंचे थे। इस दौरान एक पीड़ित की बहन ने सीएम के सामने अपने भाई का इलाज करवाने के लिए फरियाद लगाई थी। उसने कहा था कि मेरा 33 वर्षीय भाई ब्लड कैंसर से पीड़ित है और हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उसका बेहतर उपचार करवा सके। पीड़ित की बहन की तरफ से कही गई ये सभी बातें सुनने के बाद सीएम मनोहर लाल ने जिला सिविल सर्जन को मरीज का इलाज करवाने के आदेश दिए थे। लेकिन बेशर्मी की बात यह है कि सीएम के आदेश के 5 दिन बीत जाने के बाद भी सिविल सर्जन की ओर से कोई उपचार उस मरीज का नहीं किया गया और मरीज प्रवीण यूं ही 5 दिन तक बिना इलाज के बेड पर पड़ा रहा और उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई जिसके बाद परिजन उसे अपने खर्च पर इलाज करवाने के लिए रोहतक पीजीआई लेकर आए। लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी और रोहतक पीजीआई पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। यह आप अपनी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर में छपी खबर भी देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि हरियाणा के सीएम के आदेश पर नहीं मिला इलाज, नारनौल के ब्लड कैंसर पेशेंट की मौत, जनसंवाद कार्यक्रम में बहन ने मांगी थी मदद। यानी सोचिए जरा, जब एक सरकारी अधिकारी भी सीएम खट्टर के आदेशों को नहीं मानते तो प्रदेश के बाकी आम लोगों का क्या हाल होगा जो अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पाते। और ये कैसी अफसरशाही है जहां प्रदेश में मुख्यमंत्री की नहीं चलती और 5 दिन तक एक मरीज बिना इलाज के जो है उसको छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते उसकी मौत भी हो जाती है। क्या सीएम खट्टर उस मरीज की मौत की जिम्मेदारी लेंगे या फिर उस सिविल सर्जन पर कोई कार्यवाही करेंगे जिसके चलते उस मरीज की मौत हुई है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।